आज मैं भिंडी का सांबर बनाने के लिए सिखाऊंगी। तो देखिए, मैं इतना बड़ा बड़ा भिंडी कट करके रख चुकी हूँ, क्लीन करके। देखिए इतना बड़ा बड़ा है। और यहाँ पे मैं तेल गरम कर रही हूँ। फर्स्ट इसको फ्राई करूँगी ओनली तेल में। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग कंटिन्यू देखिए, स्किप मत कीजिए। बहुत टेस्टी ही बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आएगा तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो अपलोड करते ही आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो देखिए, मैं ऑयल डाल चुकी हूँ। 1 स्पून ऑयल डाली हूँ इतना इतना भिंडी में। तो मैं गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ भिंडी। थोड़ा टाइम ऐसे ही रहने के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो फाइनली इस तरह मेरा भिंडी का फ्राई हो चुका है। तो इसको मैं बंद कर दूंगी, इतना तक ही फ्राई करूंगी। अब इसका मसाला रेडी करूंगी। फाइनली ऐसा हो चुका है। अभी मैं इसका मसाला रेडी करूंगी। ये मेथी का दाना, जीरा, मूंग का दाना, थोड़ा सौंफ, इसको मिक्स करके भून लेंगे। देखिए, भून के मैं ठंडा आने के लिए छोड़ दिया इसमें, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। सो फ्रेंड, अभी मैं मिक्सी में डालूंगी इसको पीसने के लिए। ये धनिया पत्ता और ये अदरक, और साथ में जो मैं ये वाला भून के रखी थी मसाला, देखिए ये ठंडा हो चुका है, इसको डालूंगी। देखो ये लहसुन और चिल्ली, और इसको मैं मिक्सी में पीस दूंगी। इसमें और थोड़ा ऐड करूंगी, ये है चिल्ली पाउडर। ये अदरक पाउडर, ये धनिया पाउडर, और इसको मैं मिक्सी में पीस दूंगी। अभी मैं ऑयल डाल दिया है देखिए, और अभी ऑयल गर्म हो रही है। इसमें मैं सरसों और थोड़ा जीरा डाल दूंगी। थोड़ा चटकने देती हूँ।
अब इसमें प्याज डालूंगी। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी इसको। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब ये मसाला इस तरह रेडी हो चुका है। इसमें एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया था एक टुकड़ा ऑनियन मतलब प्याज और एक टुकड़ा टमाटो। अब इसको उसमें डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं डाल दिया, अब इसको अच्छा से फ्राई करना है। अब अपने स्वाद अनुसार नमक, देखिए मैं एक स्पून डाल रही हूँ। आप लोग अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मसाले को फ्राई करने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट तक।